गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग बिग कैश बॉक्स ट्रेडर्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिग कैश बॉक्स, वो शेयर मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में हम जानकारी देते हैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जीमेल आईडी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप कर सकते हो। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आज के सेशन में जो आज का जो वीडियो है उसको उसमें मैं आपको ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे क्या ट्रेडर्स मार्केट में करते क्या है, जो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्चुअली उनका काम क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं मार्केट में। सो देखिए, मार्केट में 4 स्टाइल्स से काम होता है जनरली। कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटीज हो, 4 स्टाइल से काम होता है। 4 स्टाइल से, एक तो इन्वेस्टमेंट्स होती है लॉन्गर टर्म के लिए, दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेड जिसे कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म होता है, जो 3 या 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चलता है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज बेसिकली इंट्राडे। सो इंट्राडे में ओनली डे ट्रेड्स होते हैं, दिन भर में चलते हैं, दिन भर चलते हैं और सुबह अगर ट्रेड लेंगे तो शाम तक उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाते हैं मार्केट से। और चौथा जो ट्रेड होता है वो स्पेकुलेशन बोलते हैं जिसको, जो कि आर्बिट्राज भी कहते हैं, जिसमें जो ट्रेड 2 या 3 या 4 सेकंड या 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए चलता है और उसमें से ट्रेडर्स निकल जाते हैं। ये बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है, स्पेकुलेशन इज वेरी फास्ट ट्रेडिंग। सो ये 4 स्टाइल्स में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम कुछ भी अगर मार्केट में करेंगे तो बेसिकली ये चारों जो एस्पेक्ट्स है, जो चारों पार्टिसिपेंट्स है, वो हमारे ट्रेड को अफेक्ट करेंगे दोस्तों, और उससे डिसाइड होगा कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमारी एंट्री जो होती है वो इन चारों पे डिपेंडेंट होती है। जो इन्वेस्टर होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो करोड़ों में ट्रेड्स करते हैं, एक जो तो सेकेंड टाइप होता है जो पोजिशनल होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे ट्रेडर्स तो होते ही है मार्केट में, जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, और स्पेकुलेशन जो तुरंत तुरंत ट्रेड करके तुरंत निकल जाते हैं। तो अगर मैं आपके साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शेयर करूँ जो मैंने मार्केट से निकाला है, सो बेसिकली इंडिविजुअल जो ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो 95% इंडिविजुअल जो है, छोटे ट्रेडर्स या बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं, 5% लॉस करते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में जाओगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, जो 4 या 5 दिन के लिए चलती है, तो उसमें 55% लोग प्रॉफिट करते हैं और 45% जो लोग हैं वो लॉस करते हैं। और इंट्राडे की कहानी तो कुछ और ही है दोस्तों। इंट्राडे में देखिए, डेली स्क्वायर ऑफ जिसमें होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 7% लोग प्रॉफिट करते हैं, और कभी कभी ये फिगर 5% पे भी चली जाती है, और 93% लोग लॉस ही करते हैं इंट्राडे में। सो हमें ये देखना है दोस्तों, ये ट्रेनिंग इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको, ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कि हमें इस 93% से निकल के 7% में पहुंचना है अगर हम इंट्राडे करेंगे, और पोजिशनल अगर ट्रेड करेंगे तो 45% से निकल के इन 55% तक पहुंचना है। सो ये 2 हमारे टारगेट्स है दोस्तों। और जैसे मैंने ये भी एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे कि इंडिविजुअल जो लॉसेस करते हैं ट्रेडिंग में, वो बेसिकली दोज आर न्यू ट्रेडर्स, न्यू मतलब नए ट्रेडर जो होते हैं, या अनस्किल्ड ट्रेडर जो होते हैं, अनस्किल्ड मतलब जिनको ट्रेडिंग का हाफ नॉलेज होता है और वो नॉलेज कहीं से लेते हैं और कुछ अप्लाई करके ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें हाफ लर्न जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिग क्वांटिटीज में करते हैं ट्रेड और जो लॉस करते हैं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये 2 एस्पेक्ट जो है ट्रेडिंग के, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो ये जो आप फिगर्स देख रहे हो 93% और 45%, ये सारे जो अनस्किल्ड ट्रेडर्स है यही है जो लॉसेस करते हैं।
और स्किल्ड ट्रेडर जो होते हैं, जो सीख के आए होते हैं मार्केट में, जो जिनको पता होता है कि कब क्या करना है, वो ट्रेडर्स ही प्रॉफिट करके निकल जाते हैं दोस्तों मार्केट से। और अनस्किल्ड जो होते हैं वो जनरली लॉसेस करते जाते हैं करते जाते हैं, और उनका जो अकाउंट है और उनका जो कैपिटल है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है दोस्तों, पूरा लॉस हो जाता है और कैपिटल जीरो हो जाता है उनका। काफी ट्रेडर्स जो है, काफी जो बंदे हैं वो कॉल कॉल करके बोलते हैं कि मेरा कैपिटल जीरो हो गया है, मैं क्या करूं, कैसे इसको रिकवर करूं। देखिए दोस्तों, मार्केट में आप अगर पैसा लगाओगे तो आप कोई ऐसी कोई बड़ी स्ट्रेटजी लेके काम करोगे कि मुझे आज के आज ही 10% 15% प्रॉफिट होगा, तो वो होने वाला है नहीं दोस्तों। तो आप अगर बड़ी बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में काम करोगे तो आपको लॉस ही होगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ें भी है जो हम हमारे क्लासेस में कवर करते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ दोस्तों, तो थोड़ा सा इसमें नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअल होता क्या है। तो पोजिशनल जो ट्रेड होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उसमें प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस ये सब हम करते हैं। और उसके बाद WTSS लेवल जो है, हमारे जो यूनिक स्ट्रेटजी है जो है, जो मैं वीडियोस में भी डालते आ रहा हूँ, तो यूनिक स्ट्रेटजी है वो डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स में लगा के हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हम मोस्टली WTSS लेवल पे ही काम करते हैं, और प्राइस रेंज और वॉल्यूम इसको भी ध्यान में रख के हम काम करते हैं। सो हमारी ऑफर जो है, हम क्या ऑफर करते हैं मार्केट में बेसिकली, कुछ कोर्सेस है जो हम ऑफर करते हैं। स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स, जो कि जो न्यू बीज है, जो नए ट्रेडर्स है जिनको कुछ भी पता नहीं, उनके लिए है। अगर जिनको थोड़ा भी कुछ बहुत पता है मार्केट में कैसे काम होता है या मार्केट के फंडामेंटल्स अगर पता है, टर्म्स, मार्केट के जो टर्म्स होते हैं वो पता है, तो उनको ये कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये एवरीडे इवनिंग को चलता है। फिर दूसरा जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स है, जो वीकेंड कोर्स है, जो वीकेंड को ही चलता है। और वीकेंड में हम स्किल्स को शार्पन करते हैं, जो ट्रेडर्स के जो स्किल्स है उसको हम एनालाइज करके उसको शार्पन करते हैं, उसमें गलतियां निकाल के हम उसको सुधारते हैं बेसिकली, सो दैट वो गलतियां वो वीक डेज में ना करें और हमारा जो अपना कैपिटल है उसको सेव करें। इसमें मेनली हम WTSS स्ट्रेटजी ही यूज करते हैं। उसके बाद एक और एक कोर्स है जो एडवांस ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। देखिए दोस्तों, F&O में बहुत पैसा बनता है, बट उसमें रिस्क भी बहुत होता है। तो इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है तो आप प्लीज F&O में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल निकल जाता है इसमें से, अगर आप ट्रेडिंग यूं ही करोगे तो। इसमें काफ़ी सीखना पड़ता है। ये फ्यूचर्स और ऑप्शन जो है वो मेनली हेजिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और बड़े बड़े FI जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं, वो हेजिंग के लिए ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं ट्रेडर्स के, तो ट्रेडिंग के। तो हमें ये जनरली इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपको ये सीखना ही है तो मैं हम सिखाते हैं, ये वीकेंड कोर्स है और इसमें काफ़ी सारा पैसा भी बनता है अगर आप इसको ठीक तरह से करो तो। और चौथा जो कोर्स है वो पोजिशनल ट्रेडिंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स। इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है, पोजिशनल ट्रेड लिया जाता है और उसको 3 4 दिन या 5 दिन तक रखा जाता है। और क्रूड ऑयल तो हमारी एक्सपर्टीज है ही, तो क्रूड ऑयल ट्रेडिंग भी हम करते हैं, बट ओनली यूजिंग WTSS लेवल्स। ये भी हम एवरीडे वीकडे इवनिंग, एवरीडे इवनिंग को हम कंडक्ट करते हैं, और इसमें हम लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है और कैसे स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है ये पढ़ाते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है बिग कैश बॉक्स 2019@gmail.com, ये मेरा जीमेल आईडी भी।
तो आपकी कोई क्वेरीज है तो आप जीमेल पे भी भेज सकते हो। देखिए दोस्तों, एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में एंट्री लेना बहुत इजी है, लेकिन मार्केट में जो सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और आपकी कैपिटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी होता है। बेसिकली मार्केट जो है जैसे एक सिक्के के दो पार्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, वैसे मार्केट में भी दो पहलू होते हैं। एक तो गैम्बलिंग करना और दूसरा पार्ट होता है कि स्ट्रेटेजी के साथ और पूरा स्किल्स के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करना। सो गैम्बलिंग एक पार्ट है जो कि कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, ट्रेड लो ना लो, सुबह ट्रेडिंग करो, दोपहर में करो, उसको गैम्बलिंग कहते हैं, उसके कोई अता पता नहीं होता। और सेकंड पार्ट जो है बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को लो, ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह लो, उसमें कैपिटल लगाओ, उसमें रिटर्न्स जो है वो रिटर्न्स के लिए ट्रेड करो। तो ऐसे अगर ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है आपका जो कि कैपिटल लगता है, फिर उसके बाद आपके ब्रोकरेज चार्जेस जाते हैं, आपके आपका जो समय है सुबह से लेकर शाम तक वो जाता है, तो इट्स अ बिजनेस दोस्तों, ये पूरा एक फुल टाइम बिजनेस है ट्रेडिंग। तो बिजनेस आप ऐसे ही नहीं करोगे, बिजनेस में आपको सारी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिजनेस में आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिजनेस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कब तक सस्टेन करना है विथ योर कैपिटल एंड कब तक आपको रिटर्न चाहिए। तो ये सारी चीजें देख के ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो ट्रेडिंग में आप फिर ऐसे ही क्यों आ जाते हो, मुझे ये पता नहीं चलता कि ट्रेडर्स, मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों कि छोटे ट्रेडर जो होते हैं जो 500 1000 क्वांटिटीज में ट्रेड करके लॉसेस करना शुरू करते हैं, रोज का रोज 1000 2000 5000 लॉस करते हैं, और 30 40000 50000 कैपिटल लेके आते हैं, 1 लाख कैपिटल लेके आते हैं, और 10 15 दिन 20 दिन में उनकी कैपिटल साफ हो जाती है। दोस्तों मुझे कई कॉल आए हुए हैं जिन्होंने ये चीज मुझे बताई है। दोस्तों ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, जिसको आपने कमाया हुआ है, कहीं से आपने इतना कष्ट करके काम करके कमाया हुआ है, वो आप ऐसे ही कैसे लूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सीखिए, थोड़ा सीख के फिर मार्केट में आइए। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप किसी से नहीं सीख, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीख के ही मार्केट में आइए। अगर आपको मुझसे सीखना है तो मुझसे सीख सकते हो, किसी और से सीखना है तो सीखिए दोस्तों। मार्केट में जो यूट्यूब पे फ्री में भी एक नॉलेज है अवेलेबल, तो आप वो ले सकते हो, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता दोस्तों। तो एक मेंटर जो है आपको ही, वही आपको ट्रेडिंग जो है एक्चुअल में कैसे किया जाता है वो समझाएगा दोस्तों। तो किसी मेंटर को जरूर आप कांटेक्ट कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स दिए हुए हैं, आप मेरे से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट थोड़ा नॉलेज शेयर करना था, और जो बात है वो कहनी थी कि ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस है, आप मनी जो है उसमें, इट्स लाइक मिंटिंग मनी बिजनेस, आप इतना पैसा कमाओगे आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन उसमें स्किल्स होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा, और एंड तक वीडियो देखने के लिए उन्हें भी बोलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।